बराबर में एक खाट और थी, वहां पे लेटे हुए थे। यहां से उठ के ताऊ जी इधर को जाते हैं रात में किसी टाइम। ये गेट तो बंद था। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबीवी न्यूज़ और मैं आपके साथ उमेंद्र कुमार। बुजुर्ग गायब होने की खबर मिली थी, आइए जानते हैं उनके परिवार से वो कैसे कैसे गायब हुए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। आपका क्या रिश्ता है उनसे? मैं उनका सबसे छोटा पुत्र हूँ, पूर्व प्रधान भी हूँ जी। 78-80 साल की उनकी उम्र है। कुछ दिमाग जैसे हो जाती है, अपसेट से थे तो गांव में वैसे वो घूमते रहते थे, एक जंगल आ रहा हमारे। तो ये कब की बात है जब गायब हुए हैं वो? 7 तारीख की, 7 तारीख की रात, यानी कि 8 तारीख मान लो। तो मेरे बड़े भाई उनके पास लेटे हुए थे, तो 2:30 बजे जब इनकी आँख खुली तो वे नहीं दिखाई दी। भाई कहाँ थे? बड़े भाई है जी। जी आपका शुभ नाम? अशोक कुमार जी। जी आप बताइए कि वो कब गए? घाट में सोते रहे 1 बजे तक, 1 बजे के बाद हम नींद आ गई जी। उसके बाद हम आँख खुली 4 बजे। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ? पहले कभी नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो फिर आपने कहीं पे तहरीर वगैरह दी? तहरीर बिजनौर थाने में। कहीं पे तलाश वगैरह भी की आपने? सब जगह करा, हरिद्वार भी गए, पूरा जिला छाना। बड़े भाई बराबर में एक खाट और थी, वहाँ पे लेटे हुए थे। यहाँ से उठ के ताऊ जी इधर को जाते हैं रात में किसी टाइम जी। ये गेट तो बंद था जी, और एक दरवाजा इस बैठक में जाता है जी वाला। आइए आपको दिखाता हूँ मैं, बैठक में जाता है। अभी इसमें काम चल रहा है थोड़ा जी, मरम्मत का अंधेरा हो रहा है। ये जो बाहर वाला दरवाजा है जो रोड की साइड को जाता है, खराब हो रखा है। ये दरवाजा जो हम बता रहे थे आपको, यहाँ से वो निकले हैं। हम 11,000 का इनाम देंगे जो हमारे पिताजी को ढूंढकर हमारे पास लाया जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।